देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इसी इलेक्शन नंबर 3 पे, उदासीनीकरण। इसमें सबसे पहले हेडिंग रहेगी, तो ये उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया द्वारा। किसकी किसकी? अम्ल और भस्म, इन दोनों की अभिक्रिया द्वारा जल तथा लवण बनने की अभिक्रिया। क्या बनने की? जल और लवण, या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा, की अभिक्रिया द्वारा जल तथा लवण बनने की जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं अम्ल भस्म की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है, ये जो रिएक्शन बनी है इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ओके, रिएक्शन कहलाती है उदासीनीकरण, ये है। ओके, जैसे कि कोई एसिड अगर ले लें, यानी OH प्लस HCl दोनों की जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ओके, इनका क्या हो जाता है? ये वाला यहाँ आ जाता है और ये यहाँ पे हो जाता है, तो क्या बता रहा है, यानी Cl प्लस HOH। एच ओ एच जो होता है ये क्या होता है? ये होता है वाटर, हाँ। ये क्या होता है? साल्ट होता है। ये क्या है आपका? एसिड। और ये क्या है? बेस। कहने का मतलब है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, या फिर उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। याद रहेगा, लिख लीजिएगा। ओके, या फिर आयनिक सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार? आयनिक सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग बात करें आयनिक सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्या बताएंगे, इन अभिक्रियाओं को आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो आयनिक फॉर्म में किस टाइम में लिखेंगे? जैसे NaOH है तो Na+ है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, प्लस OH- है, ये भी एक्वस में होता है, प्लस H+ है, ये भी एक्वस में होता है, प्लस Cl- है, ये भी एक्वस में होता है। जब रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है? एन ए प्लस एक्वस प्लस सी एल माइनस एक्वस, और ये दोनों मिलके क्या बना जाते हैं? वाटर, H2O। ये लिक्विड फॉर्म कहते हैं। इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, याद रहेगा, मतलब इसको भी उदासीनीकरण कहा जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे नोट टाइम में लिख के बोल सकते हैं, वह जलीय विलयन में वह अभिक्रिया, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H+ आयन तथा OH- आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? करके जल बनाते हैं। उदासीनीकरण कहलाती है। कहलाती है। तो यहां से हमने क्या क्या बताया, जरा एक बार और देख लो। हमने इसमें बताया आपको कि अम्ल और भस्म की क्रिया
द्वारा जल और लवण का बनना उदासीनीकरण कहलाता है, या ये बोल सकते हैं अम्लोपभाषण की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, या ये भी कह सकते हैं अम्ल और क्षार द्वारा जल तथा लवण बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, ये भी बोल सकते थे और इसमें ये भी बोल सकते थे कि जलीय विलयन में वह क्रिया जिसमें एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन आपस में मिलकर या क्रिया करके जल बनाते हैं क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है उदासीनीकरण और ऊष्मा क्या होता है। ओके देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। ऊष्मा ओके तो जरा देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए बात आती है उदासीनीकरण ऊष्मा की, तो क्या बताएंगे, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा जल तथा लवण बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें जो ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ये भी बता सकते हैं जैसे कि ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में अगर थोड़ा सा और लिखा जाए तो क्या करें, ऐसे नहीं राजा जी, ऐसे नहीं, ऐसे देखो ऐसे। ओके तो जैसे कि यह क्रिया हो रही थी अम्ल और क्षार की, अम्ल प्लस क्षार है ना, क्या बनाना था, लवण और क्षार है ना, तो ये क्या है, उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है राइट। इसमें एक काम कर दें क्या, ऊष्मा और लिखते हैं, ऊष्मा जो ऊष्मा निकली इसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो क्या समझ में आया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं क्या कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार की तन बलूनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपना साल्ट आ जाता है, साल्ट मतलब लवण, लवण किसे कहते हैं है ना, तो चला इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए अब बात आती है लवण, तो लवण क्या बताएंगे, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, इसी में बता देंगे, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है अपना जल, और जल के साथ जो उत्पाद बनता है ये, इसे क्या कहते हैं, लवण। मतलब बोलेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा जल के साथ जो उत्पाद बनता है उसे लवण बोलते हैं। ठीक है फिर आगे आते हैं, लवण 6 प्रकार के होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के है ना, लवण जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं जरा इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है सामान्य लवण, कौन सा, सामान्य। नंबर जो 2 आता है वो आता है अम्लीय लवण, ओके। जो नंबर 3 पे आता है क्षारकीय लवण, जरा इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं फिर आगे, क्षारकीय लवण ओके। चलिए बात करते हैं, देखिए अब बात आती है अम्लीय लवण, सामान्य लवण कौन से होते हैं, वे सरल सरल लवण जिनमें विस्थापनीय एच प्लस और ओ एच माइनस नहीं होते, मतलब बोल सकते हैं वे सरल लवण, सरल लवण जिनमें विस्थापनीय एच प्लस व ओ एच माइनस नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण होते हैं।
एच एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे के एन ओ थ्री, इसमें एच प्लस नहीं आएगा, या एन ए सी एल क्या है, इसमें भी एच प्लस नहीं आएगा। तो क्या बताएंगे, वी सबर सरल लवर जिनमें विस्थापनीय एच प्लस बाहु एच माइनस नहीं होता। अम्लीय लवर, वी लवर जिनमें विस्थापनीय एच प्लस होते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, अम्लीय लवण होते हैं। एज एग्जांपल लिख लेते हैं, यानी एच एस ओ फोर आर एन एच सी ओ थ्री। ओके, आता है फिर क्षारकीय लवण, क्या बताएंगे, वी लवण जिनमें ओ एच माइनस विस्थापनीय होते हैं। होता है जिनमें जिनमें ओ एच माइनस कहते हैं और विस्थापनीय होता है, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्जांपल लिखेंगे एम जी ओ एच, फिर सी एल, जेड एन ओ एच, सी एल, पी बी ओ एच, एन ओ थ्री। ये सभी क्या हैं, ये आपके क्षारकीय लवण है। तो क्या बताया, इसको जरा डिफाइन एक बार और कर लेते हैं। लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो जल बनता है, उसके साथ कुछ बनता है यहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं, लवण। लवण कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा नंबर एक में आता है सामान्य लवण, वी सरल लवण जिनमें विस्थापनीय एच प्लस बाहु एच माइनस नहीं होता है। कैसे होते हैं, वी सरल लवण जिनमें विस्थापनीय एच प्लस ओ एच माइनस नहीं होते हैं, सामान होते हैं, एच प्लस और ओ एच माइनस कैसे, कटम ना, है ना, कैसे लवण होंगे, सामान होंगे। फिर बात आता है अम्लीय लवण की, तो क्या बताया, अम्लीय एसिडिक नेचर होता है, मतलब एच प्लस होना चाहिए अम्लीय, इसमें ओ एच माइनस विस्थापन होना चाहिए, तो क्षारीय। एग्जांपल के आप तो ये लिख लिया आपने, है ना, तो ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी करिएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आगे क्या होता था, मिश्रित लवण। ओके, तो क्या बताएंगे, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन भरणायन होते हैं, एक से अधिक प्रकार के धनायन भरणायन होते हैं, क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण। एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं एन के एस ओ फोर, ओके, और ये भी बोल सकते हैं सी ए ओ सी एल और फिर सी एल। ओके, ये कैसे मिक्स्ड सॉल्ट है, मतलब मिश्रित लवण है। द्विक लवण क्या होते हैं, तो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं, मतलब किससे प्राप्त लवण को, बाष्पीकरण से। तो क्या बोलेंगे, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। एग्जांपल बोल सकते हैं जैसे कि आपका पोटासियम हो गया, कैसे K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, ये क्या है, डबल साल्ट। इसके बाद आता है मोहर लवण, मोहर लवर मतलब मोहर जाल, ये क्या था, इसे बोलते हैं पोटासियम, है ना, या बोल सकते हैं ये फिटकरी, याद रहेगा। मोहर लवर में ये आता है, जरा देखिए FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 डॉट 6H2। ओके, ये क्या है, मोहर लवण है, इसे डबल साल्ट बोलते हैं, मतलब दो सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से जो लवण प्राप्त हो उसे द्विक लवण बोलता है। फिर आता है संकर लवण, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन और किसी धात्विक धनायन के साथ कैसा बंध बना रहा हो, उपसंयोजक बंध बन रहा हो,
मतलब वे लवर जिनमें उप संयोजक बंध बन जाते हैं वो भी किसके साथ? धात्विक धनाएं के साथ। क्या कहलाता है? शंकर लवर। तो शंकर लवर अगर कहलाता है धनाएं नैरायण के साथ किसी के साथ बन जाए तो एग्जाम्पल पे हम लिख सकते हैं क्या ए फोर या फिर सी एन सिक्स आपका जैसे हो गया। ओके यह ये हो गया सी यू एन एस थ्री का होल फोर डॉट सी एल टू है ना। ये भी है क्या है ये सब शंकर लवर है याद रहेगा लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी करिए। देखिए नेक्स्ट जो आता है अपना वो क्या है कि लवर जल अपघटन कैसे कहते हैं। ओके साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बताएंगे वह प्रक्रिया जिसमें कोई लवर जल से अपक्रिया करके अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है। क्या बताया वह प्रक्रिया जिसमें कोई लवर कौन कोई लवर किससे करता है क्रिया जल से है ना। मतलब कहने का है लवर क्या करे जल से रिएक्शन कर ले और क्या बना ले उदासीन विलयन बना दे। उदासीन विलयन बना दे या फिर ये बोल सकते हैं क्षारीय विलयन बना दे या अम्लीय बना दे। मतलब वह क्रिया जिसमें कोई लवर जल से अपक्रिया करके अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन बना दे लवर का जल अपघटन कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे H2O है ना H2O है जो ब्रेक होता है वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। ओके ये साल्ट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन में आ जाता है। जैसे कि और एक अगर देखें तो यानी टू CO3 को देख लें है ना ये क्या होता है रिएक्शन करता है क्या बनाता है टू यानी प्लस प्लस CO3 माइनस टू। ओके अगर इस टाइप से बनाता है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है टू यानी प्लस प्लस टू ओ एच माइनस रिएक्शन परफॉर्म करके बनाता है टू एन ए ओ एच। ओके ये क्या है प्रबल क्षार है और ये रिएक्शन जो है वही लवर का जल अपघटन कराती है। ओके प्रबल क्या है अच्छा तो ये लिख लीजिएगा जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। ओके जल्दी करिए। देखिए अब बात आती है आज इसकी धावन सोडा की। ओके तो धावन सोडा की अगर बात की जाए तो हम लोग इसमें क्या बताएंगे जरा देखिए सबसे पहले अणुसूत्र। ओके धावन सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2 रासायनिक नाम जो होता है। ओके तो ये भी लिख लेते हैं रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डीका हाइड्रेट। ओके इसके बाद आती है निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराई जाती है या ये बोल सकते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जा सकती की जाती है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कि विलयन में क्या प्रवाहित की जाती है विलयन में CO2 गैस क्या की जाती है प्रवाहित की जाती है। ओके तो जैसे ही हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करेंगे इस सॉल्यूशन में देखिए इसमें वाटर मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे जैसे ही करेंगे तो रिएक्शन होती है आपकी Na2CO3 प्लस H2O ये फॉर्म करेगा। बैलेंसी करेंगे तो यहाँ पे दो का मल्टीपल करना पड़ेगा। ओके तो ये जो बना ये क्या है यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट
क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद ये आती है, इसका सांद्रण करने पर जब हम इसका कर क्या करते हैं उपरोक्त विलयन का, या इसका सांद्रण करने पर और सांद्रण करके उसे ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या हम लिखेंगे, उपरोक्त विलयन को, उपरोक्त विलयन को या उपरोक्त विलयन का सांद्रण करने पर तथा उसके उपरांत क्या करने पर, ठंडा करने पर, उसके उपरांत ठंडा करने पर करने पर सोडियम कार्बोनेट के कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या होता है? क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या समझ में आया? तो सबसे पहले धामन सोडा लिखा और शोते सूत्र डाटेन एच टू था, ये आपने डेरिवेशन किया है ना। फिर क्या बताया, सोडियम कार्बोनेट डेकाइट्रेट इसका जनरल नाम होता है। निर्माण की विधि क्या बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सी ओ टू जब प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना, और सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, सांद्रित करके ठंडा करते हैं। सांद्रित करके जब ठंडा करते हैं तो सोडियम डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है ना। और जैसे ही क्रिस्टल प्राप्त होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं यानी टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू के क्रिस्टल प्राप्त होता है ना। ये बन गया। इसका औद्योगिक निर्माण जो होता है वो लिबलाक द्वारा किया जाता है। नोट, इसका औद्योगिक निर्माण औद्योगिक निर्माण लीबलॉक विधि लीबलॉक विधि या अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है। ये याद रखना, किसके द्वारा? अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है ना, द्वारा किया जाता है। जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करते। देखिए अगर इसमें आगे बढ़ें तो हम लोग क्या बताएंगे, जैसे भौतिक गुण है, तो अगर इसके भौतिक गुण की बात की जाए तो यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, जल में विलय होता है, इसका जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं यानी 2CO3.10H2 के क्रिस्टल प्राप्त होता है, लिख सकता। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं उपयोग पे, जल्दी करिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे उपयोग की। ओके, तो उपयोग में क्या है जरा देखिए, ये अगर लिख लिया है तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके, या स्क्रीन क्रॉप कर लीजिए आप, है ना। देखिए उपयोग को, अगर उपयोग में बात की जाए तो सबसे पहला यह अभिकर्मक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नंबर दो, कपड़े धोने की साबुन बनाने में या कपड़े धोने में या साबुन बनाने में, जल की कठोरता दूर करने में, खाने का सोडा बनाने में, कांच का या कागज उद्योगों में, अनेक धातुओं के धातुकर्म में, रंजकों के निर्माण में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, लेड नाइट्रेट के साथ मिलकर सफेदा बनाने में। ओके, मतलब PbNO3 के साथ मिलकर सफेदा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या बताया, नंबर एक अभिकर्मक के रूप में था, दूसरा कपड़े धोने में या साबुन बनाने में, मतलब कपड़े धोने में और साबुन बनाने में, जल की कठोरता को दूर करने में, खाने का सोडा बनाने में, कांच तथा कागज उद्योगों में, अनेक धातुओं के धातुकर्म में, रंजकों को बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में या फिर सफेदा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए सफेदा ज़्यादातर लेड नाइट्रेट से ही बनाया जाता है। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जल्दी लिखिए। देखिए इसमें क्या चल रहा था,
इसमें आया था खाने का सोडा, है ना। तो खाने का सोडा बनाने की विधि में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे कि ये जो है ना सूत्री होता है ये क्या होता है, इसका अर्धसूत्र होता है ना। NaHCO3 इसका अर्धसूत्र होता है। रासायनिक जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है जरा देखिए, जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सूत्र आपका ये हो गया। तो जरा इसमें हम लोग रिएक्शन अगर लिखते हैं तो इसमें क्या बताया था बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करके बनाया जाता है। चलिए प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, Na2CO3, और इसके जलीय विलयन में प्रवाहित क्या करना है, CO2। तो जरा कर देते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे CO2 गैस जैसे ही प्रवाहित की, हमारा बना CO2 गैस, लेकिन विलयन कैसा है, जलीय, ये याद रखिए। तो हमें वाटर भी ऐड करना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2O। अब जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है NaHCO3। यहाँ पे बैलेंसी करेंगे तो 2 NaHCO3। तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका, वाटर। जब हम लोग रिएक्शन करी तो बना आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब बात आती है भौतिक गुणधर्म की या प्रमुख गुणधर्म। तो उसमें हम लोग इपोयो और भौतिक गुणधर्म लिखेंगे, जल्दी कर लीजिएगा इसे। अब बात करते हैं भौतिक गुण की। ओके, तो भौतिक गुण की जब बात करेंगे तो इसमें बताएंगे, ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, यह जल में विलेय होता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। स्क्रीन शॉट करते चलिए जल्दी से। ओके, जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है रासायनिक गुण, है ना। तो रासायनिक गुण भी कर लेते हैं। ओके, रासायनिक गुण इसमें सबसे पहला आएगा ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या बोलेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, अपघटित होता है। तो चलिए गर्म करते हैं NaHCO3, और जब गर्म करोगे, हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर ये बनाया सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O, याद रहेगा, उसी में जिससे बना था उसी का बन गया। अब अम्लोसी क्रिया करते हैं तो अम्लोसी क्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो चला देख लीजिएगा अम्लोसी क्रिया क्या होती है, NaHCO3 अम्ल से क्रिया करेंगे, अम्लाइक HCl। जब रिएक्शन होगी तो आपका ये प्लस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये H जो है यहाँ पे आएगा, है ना। तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2 प्लस बनाएगा CO2। ओके, एक और ऐसे ही NaHCO3, हम इसे करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब इसे रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा Na2SO4, मतलब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो H2O और CO2 फिर से बनेगा। तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2, याद रहेगा। जो ये हैं ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम लवण है, जिसे हम लोग नमक बोलते हैं। ये सोडियम सल्फेट है, ये वाटर है,
ये लिख लीजिएगा नेमिंग, जल्दी से लिखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे बात आती है उपयोग की, तो उपयोग में हम लोगों ने क्या बताया, इसमें बताया कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं और झागदार पेय पदार्थ बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, कच्ची दूध में मिलाओगे तो ये फटेगा नहीं इसमें भी करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने में, सेवन ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये उपयोग जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसमें अगर फिर से देखें तो क्या बताया, उपयोग एक अभिकर्मक के रूप में करते हैं, पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, कच्चे दूध में मिलाओगे तो फटेगा नहीं है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने में, ब्रेड बनाने में, राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अपना आता है व्यंजक चूर। ओके, तो व्यंजक चूर में जरा देखते हैं, सबसे पहला क्या लिखेंगे, जो व्यंजक चूर है इसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ओके, यहाँ पे और रासायनिक नाम जो होता है, और रासायनिक नाम इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ओके, क्लोराइट यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक नाम, क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम याद रहेगा। तो क्या बताया, विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, जो और सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, है ना। इसमें क्या होता है, Ca के दो अणु होते हैं, इसमें एक अणु में एक कैल्शियम आयन क्या रखता है, Ca++ रखता है, क्या रखता है, Ca++, तथा एक क्लोराइड आयन Cl- और एक हाइपोक्लोराइट OCl- होता है। यह एक मिश्रित लवण है, मतलब कैसा है, मिक्स्ड साल्ट है। ओके, याद रहेगा। इसकी निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो क्या बताएंगे, ब्रंज चूर को शुष्क बुझे हुए छूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, मतलब ब्रंज चूर जो होता है उसके ऊपर जब शुष्क बुझे हुए छूने की क्रिया कर देते हैं तो क्या बन जाता है, व्यंजक चूर, किस पर, शुष्क बुझे चूने पर। चलिए करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा चूना है, हमें क्लोरीन की रिएक्शन करनी है, क्रिया करा देनी है, क्या बनाएगा, CaOCl2, और रिलीज क्या होगा, वाटर, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, जरा ये भी लिख लीजिएगा, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या है, ये है क्लोरीन, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है, वाटर, याद रहेगा। तो यहाँ से तो व्यंजक चूर बन जाता है, मतलब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की जब क्रिया करता है तो व्यंजक चूर का निर्माण होता है। इसके बाद में आएंगे हम लोग गुड़ पर, तो उस पर भी आते हैं, और एक चीज़ बताएंगे, इसका व्यापारिक मात्रा में बनाने की दो ही विधियाँ होती हैं, एक हेजन क्लेवर विधि है, एक बैचमैन विधि है, तो ये नोट बना के आप जरूर लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम छोटा कर दें शॉर्ट फॉर्म में तो उसे आप लिख लीजिएगा। ओके, एक बार में दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है उपयोग क्या क्या है इसके। तो बात अगर उपयोग की आती है तो उपयोग बहुत सरल है, क्या, कुछ यौगिकों के साथ क्रिया करके ये क्लोरीन या नवजात ऑक्सीजन बना देता है ना। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों का रंग उड़ाने में किया जाता है, विभिन्न पदार्थों का रंग उड़ाने की बात अगर की जाए
तुरंत किसका किसका उड़ा देता है, जैसे कपड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया, कागज। क्या लिख लोगे? कागज, कपड़ा और फर्नीचर, इन सब का क्या करता है? कलर उड़ा देता है। याद रहेगा, कागज, कपड़ा और फर्नीचर आदि, ये इन सब का क्या करता है? कलर उड़ा देता है। फर्नीचर सही से लिख लेते हैं। ओके, लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिएगा। और क्या बताएंगे? इसका उपयोग जो होता है जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। क्या बोलेंगे? इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। आगे देखिए, देखिए अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे? जरा देखिए, जैसे कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट हीमी हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हीमी हाइड्रेट। ओके, अगर अर्शोध की बात की जाए तो क्या बताएंगे? CSO4.HF2। ओके, ये आपका अर्शोध होता है, ये आपका क्या था? रासायनिक नाम था, ये आपका रासायनिक नाम है, ये आपका क्या है? अर्शोध। ओके, फिर आती है बात बनाने की विधि। ओके, तो क्या बताएंगे? बनाने की विधि भी सिंपल से रहने वाली है अपनी। क्या बताएंगे? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, इसमें क्या होता है? क्रिस्टल जल का 3/4 भाग अलग हो जाता है। तो जरा देखिए, जिप्सम को गर्म करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। देखिएगा, जिप्सम को हमें क्या करना है? गर्म। चलिए, CSO4.2H2O, ये क्या है आपका? ये है जिप्सम। हाँ, कितनी डिग्री सेल्सियस पर? 120। चलो, 120 डिग्री सेल्सियस, और क्या किया? गर्म। जब गर्म किया तो क्या बना? CSO4. या CSO4 का होल ट्वाइज कर दो, होल ट्वाइज डॉट H2 प्लस 3H2, तो क्या होगा? यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं दो का गुणा करके। अब अगर दो का गुणा किया है तो समय भाग कर सकते हो, और जैसे ही समय भाग करोगे तो इसके बटे दो हो जाएगा, और जैसे ही बटे दो होगा तो ये तो पूरा टर्म है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, इसका मतलब क्या है? इसके बटे दो होगा, तो इसमें क्या होगा? इसके बटे दो, इसमें पहले तो दो कामन लो, और जैसे ही दो कामन लोगे तो इस रिएक्शन को अगर सही से लिखें तो 2 ये था, यहाँ क्या लिख सकते हो? CSO4.2H2, है ना? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, ये फिर बनाएगा CSO4.1/2H2। ओके, और जो 3 जो है ना, यहाँ क्या आ जाएगा? 3/2H2। ओके, याद रहेगा। तो ये क्या बना? ये बना जो, इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, लिख लीजिएगा रिएक्शन को जल्दी से। इसमें एक चीज और बताएंगे, क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे कि कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई अणु जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं और कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। वही बना है, 2 अणु जो हैं 3/2 पार्ट निकल गया, 1/2 पार्ट बना है, है ना? आगे देखिए, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा करते हैं ना, स्क्रीनशॉट अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो बस, बात खत्म करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपनी बात की जाए, जरा देख लेते हैं गुणधर्म। ओके, तो गुणधर्म में क्या बताएंगे? ये सफेद रंग का चोर होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का
छूट होता है। अभी तो यार और भी बताना होगा, है ना? देखिए बताते हैं। काला ले लेते हैं, ब्लैक। ओके, ये सफेद रंग का छूट होता है ना। जल का प्रभाव क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल जो होता है वो सोख लेता है। और जल सोखता कैसे, जरा ये भी बता देते हैं। जल सोखता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इस टाइप से, जैसे आपका CaSO4 है ना। और जब हमने रिएक्शन की, इसमें क्या था, वाटर था, 1/2 H2O, है ना। और ये क्या करता है, जल को सोख लेता है। इतना लिखा, प्लस 3H2O लिखा, रिएक्शन करा दी, तो जल को सोखेगा। 3 और आधा मिलके 3/2 और आधा मिलके क्या बनाएगा, ये CaSO4.2H2O, तो क्या बनाता है, जिप्सम। ओके, याद रहेगा ये कौन सा है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन जब वाटर से कराए तो क्या हुआ, बचा हुआ पार्ट सोख लिया, और ये बताया बनाया क्या, जिप्सम। ओके, नेक्स्ट है क्या, ऊष्मा का प्रभाव। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं, कितने पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या करता है, अलग अलग हो जाता है पार्ट, इसमें ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है जरा देखिए, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो उसमें जो क्रिस्टल जल के होते हैं वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो जब जल के क्रिस्टल बाहर निकलते हैं तो बनाता क्या है, जरा ये देख लेते हैं। जैसे CaSO4.5H2O है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे क्या किया हमने, 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, गर्म किया। और जैसे ही गर्म करा तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट और प्लस वाटर अलग रिलीज कर रहा है। ओके, ये है क्या, ये है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और ये क्या था, POP था, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक चीज़ ज़रा देखें, और आगे अगर एक बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसे जब 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, कितने पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। तो ज़रा देखिए, जैसे CaSO4 है, इसे हमने गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बना रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, SO2 प्लस CO2। ओके, और जब ये बना रहा है, ये CO2 नहीं है, O2 है, क्या है, O2। ओके, O2 उड़ जाएगी, CO2 ये भी कैसे, ये भी उड़ जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बना ओनली बचा। तो बैलेंस ही अगर देखें तो हम CaSO2 है बेटे, SO2। ओके, बैलेंस ही कर दो, दो दो का गुणा कर दो शून्य, है ना, दो का गुणा हो गया, ये बन गया। ये है क्या, यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या इसमें उपयोग है, तो उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो उपयोग की अगर बात की जाए तो उपयोग में क्या बताएंगे, उपयोग में बताएंगे इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। और प्लास्टर कब चढ़ जाता है, जब हम टूट फूट जाते हैं तब। दूसरा, खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग कर किया जाता है। तीसरा, चाक बनाने में किया जाता है। चौथा, कागज़ के कारखानों में उपयोग करते हैं। फिफ्थ नंबर है, दांतों में प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। मतलब प्लास्टर जहाँ भी होता है, मतलब प्लास्टर या प्लास्टर, वहाँ पर POP ही यूज होता है। ओके, POP ही यूज होता है। ओके, थैंक्स।
फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।